टीम इंडिया ने इंग्लैंड को चेन्नई टेस्ट मैच में भी बुरी तरह से मात दी है। इस मात के साथ ही टीम इंडिया ने इंग्लैंड से पुराना हिसाब किताब चुकता कर लिया है। वहीं घमंड में चूर इंग्लैंड को भी सही सबक मिल गया है। इंग्लैंड की टीम इस वक्त बुरे दौर से गुजर रही है। टीम इंडिया से 4-0 से टेस्ट सीरीज हारने के बाद इंग्लैंड की टीम को इस वक्त कई जख्म मिले हैं और अब उन्हीं जख्मों पर और नमक भी छिड़का जा रहा है। चेन्नई टेस्ट में इंग्लैंड को पारी और 75 रनों से हराने के बाद टीम इंडिया ने 5 टेस्ट मैचों की सीरीज को 4-0 से अपने नाम कर लिया। टीम इंडिया की इस जीत पर प्रतिक्रिया देते हुए आईपीएल के कमिश्नर राजीव शुक्ला ने टीम इंडिया को बधाई दी और इंग्लैंड के घावों पर नमक छिड़कने का काम किया। राजीव शुक्ला ने कहा, क्रिकेट के खेल को इजाद करने वाले देश का इस ढंग से हार जाना शर्मनाक है। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में इंग्लैंड की इस करारी हार के बाद क्रिकेट के कई जानकारों ने इंग्लैंड पर करारा प्रहार किया है। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने इस हार पर इंग्लैंड की कई पुरानी हारों का भी जिक्र किया और कहा कि इंग्लैंड के पास कोई विश्व स्तरीय स्पिनर न होने के कारण इंग्लैंड को हार मिली है। इंग्लैंड की टीम इस दौरे पर केवल पहला टेस्ट ही ड्रॉ करा पाई, जिसके साथ सीरीज के बाकी बचे सभी मैचों को उसने गवा दिया। वहीं दिग्गज क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग ने भारत की जीत पर बधाई देते हुए इस जीत में स्टार रहे रविंद्र जडेजा की जमकर तारीफ की। इस जीत के बाद वीरू ने लिखा, जड्डू ने इंग्लैंड का कद्दू बना दिया। अपने एक अन्य ट्वीट में इस पूर्व क्रिकेटर ने लिखा, जड्डू कुछ लड्डू इंग्लैंड को पार्सल कर दो, इस खेल को पैदा करने वाले देश को हराना हर बार अच्छा लगता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि भारतीय टीम अगली बार इंग्लैंड में जाकर भी अच्छा प्रदर्शन करेगी।